के बाद जो यात्रा में आपकी राहुल जी से यात्रा के दौरान के राहुल मुलाकात हुई, शायद आपकी इनसे बात हुई हो, तो राहुल जी और सोनिया जी दोनों ने आपको इस तरीके से क्या सबको देंगे? ठीक है, उन्होंने कहा कि प्लेइंग फील्ड लेवल होंगे हमारी तरफ से, ना कोई ये है वो है और कोई भीड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी हो पार्टी के अंदर ये तो कोई शत्रु की जंग नहीं है, ये युद्ध की बात नहीं है, हम सहयोगी हैं, एक ही पार्टी के अंदर हम काम कर रहे हैं, चुनाव के बाद भी हम एक साथ काम करेंगे, तो इसलिए कोई दुश्मनी नहीं है, हम चाहते हैं कि सहयोगी के जो अलग अलग परिकल्पना हो सकते हैं पार्टी के बारे में कि हम वोटर्स के सामने रखें, पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुनने दीजिए, बस यही है हमारा संदेश। तो मैं कह रहा हूं पार्टी की, देखिए अगर आप संतुष्ट है पार्टी जैसे चल रही है तो प्लीज खड़गे साहब को वोट दीजिए, अगर आप बदलाव चाहते हैं, अगर जो कुछ मैंने कहा और आपको पता है मैंने मैनिफेस्टो पत्रिका निकाले कल, अगर ये सब देख के आप चाहते हैं कि पार्टी एक अलग तरीके से चले, मैं आपके साथ हूं, लेकिन ना आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम है, खड़गे साहब और मैं दोनों एक साथ काम किए हैं लोकसभा में, पिछले लोकसभा में, और मुझे लग रहा है कि जो कांग्रेस पार्टी का संदेश है जनता के सामने उसमें तो कोई बदलाव नहीं होने वाला है, हम सिर्फ इसको सख्त बना के मजबूत बना के बार बार कहते रहेंगे, लेकिन हमारे काम के तरीके, कार्यकर्ताओं के जो बंधन है उनके नेताओं के साथ, जो सारे निश्चय दिल्ली में हो रहा है आजकल, उसको जरा सा नीचे करके शक्तिकरण हमारे ग्रास रूट पे, हमारे मंडल, हमारे ब्लॉक, हमारे जिला, हमारे राज्यों में, उस लेवल्स पे अगर आप अधिकार दे दें तो मेरे ख्याल में पार्टी के लिए अच्छा होगा, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तो प्लीज खड़गे साहब को ही वोट दीजिए। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।